संभालो मुझको ओ मेरे यारो. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रिया हनीफ और मैं आज आई हुई हूँ सफ़ा गोल्ड मॉल में. काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, शॉपिंग में मसरूफ़ है अपनी फैमिलीज़ के साथ, लेकिन मैं भी जाऊँगी, उनको तंग करूँगी और उनसे कॉमन सेंस के सवाल पूछूँगी. मैं पहले आपको सवाल बताऊँगी और मेरा सवाल यह है कि एक जहाज़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में गिरा है, तो अब बताएं कि जो बचने वाला है उसको हम पाकिस्तान में दफनाएंगे या इंडिया में. चलते हैं लोगों के पास और जानते हैं उनके जवाब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? सुजाजा. सुजाजा या जुजाजा? सुजाजा. क्या मतलब है इसका? रोशनी. रोशनी. कहाँ कहाँ रोशनी फैलाई आपने? हर जगह. चलें, कॉमन सेंस कैसी आपकी? इट्स ओके. ठीक है, गुड है. चले मैं सवाल करती हूँ, फिर पता चलेगा कैसी है. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? मिसबा. मिसबा क्या करती हैं आप? जॉब करती हूँ. कहाँ पे? इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. ओके, तो आपकी कॉमन सेंस कैसी है? आई थिंक सो ठीक है, जो होती है. हाँ, मतलब जो नॉर्मली लोगों में होती है वैसी है. आई कांट से, बट ये कि हाँ देखते हैं, अगर आप कुछ पूछेंगी तो फिर पता चलेगा, लेकिन अदरवाइज तो सही है. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक जहाज़ इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में गिरा, ठीक है, अब बचने वालों को कहाँ दफनाया जाएगा, इंडिया में या पाकिस्तान में? बॉर्डर के दरमियान तो हो ही नहीं सकता ना, या वो पाकिस्तान में गिरेगा या इंडिया में गिरेगा. बॉर्डर के दरमियान में गिरा, मतलब दरमियान वाली जगह पे गिरा. जहाज़ गिरा तो? जहाज़ गिर गया इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के दरमियान में, अब बचने वालों को कहाँ दफनाएंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में? तो बचेगा थोड़ी यार. नहीं, कोई भी बचेगा. जहाज़ क्या पता वो थोड़ा नीचे से गिरा हो. नहीं, जहाज़ गिरेगा तो उसमें कोई नहीं बचेगा. बस मौजा हो गया ना, बच गया. तो उसको कहाँ दफनाएंगे? जहाँ से वो बिलोंग करते हैं. अननोन उनकी वो आइडेंटिटी. तो जहाज क्या है? जहाज, जहाज गिरा, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, बताएं कहाँ पर उनको दफनाएंगे? वो तो मर गए ना. बचने वालों को कहाँ दफनाएंगे? जहाज खाली था. है? जहाज खाली था. नहीं नहीं, खाली तो नहीं था. थे उसमें लोग? हाँ. जहाज इंडिया और, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे गिरा है, तो बचने वालों को कहाँ दफनाएंगे? जहाज गिरा तो बच, तो जब जहाज गिरा तो उसमें बच्चा कोई नहीं है. बच्चे है ना? बच्चे पाकिस्तान और ये तो जहन में नहीं आ रहा. वो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान में दफनाएंगे. इंडिया का होगा, उसको इंडिया में दफनाएंगे. दिस इज़ सम कॉमन सेंस, लेकिन मेरे ख्याल से जहाज़ गिरेगा तो उसमें सब लोग, अल्लाह माफ़ करे, जल जाएंगे. बच्चे का कोई नहीं. नहीं, वो आप छोड़ दें, अभी मैंने आपको सिचुएशन बता दी, ठीक है. बचने वाले को कहाँ दफनाएंगे, इंडिया में या पाकिस्तान में? जहाज़ है किसका? चले हम ये इमेजिन कर लें, एयरलाइन का जहाज़ है तो पाकिस्तान वाले. अननोन जहाज़ है. अननोन जहाज़ है, फिर तो ये है कि जो भी गुड फेथ में ह्यूमैनिटी में आके उनको बचाए और फिर उनकी नेशनैलिटीज फाइंड आउट करे कि वो बचने वाले नहीं दफनाएंगे. बचे है ना वो. ये इस बच्ची ने बताया, ये चीटिंग हुई है. चले अब मैं आपको जवाब बताती हूँ, ठीक है. हमारे सवाल का जवाब है, जो बंदा बच जाएगा उसको दफनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बस मैं बार बार आपको यही कह रही थी, बचने वालों को कहाँ दफनाएंगे. आपने कहा बचने वाले नहीं, वो तो सारे जल जाएंगे. चले अब मुझे ये बताएं कि बचने वालों को दफनाता कौन है? बचने वालों को तो जाहिर उनके घर वाले ही दफनाते हैं. अच्छा, बच गया जो. बच गए ना वो, तो बच गए. और हमारे सवाल का जवाब ये है कि दफनाया तो सिर्फ मरने वालों को जाता है, बचने वालों को नहीं. इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट के जरिए से हमें फीडबैक देते रहिएगा. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. थैंक यू सो मच.